देखो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे फ्रैक्शन। देखो सबसे पहली चीज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो देखो समझो, बढ़िया तरीके से समझो फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी। कहने का मतलब है हमेशा बटे में लिखी जाएगी। जैसे हम तुमसे बोलें 5/4, ठीक है, 5/4 या 5/4, तो ये हमारी क्या फ्रैक्शन है। हम लिखें 6/3, 6/3 ये हमारी क्या फ्रैक्शन है। 6/3 क्यों? क्योंकि देखो पी अपॉन क्यू, पी की जगह पे कितना हो जाएगा 5 और क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा 4, पी की जगह पे कितना हो जाएगा 6 और क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारी एक फ्रैक्शन है। लेकिन फ्रैक्शन होगी कौन सी नहीं वो समझ लो। कभी भी पी अपॉन क्यू कभी भी जीरो ना हो। जैसे पी की जगह पे तो हमने 5 रख दिया, लेकिन क्यू कभी जीरो ना हो। अगर जीरो है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 8 लिख दिया हमने और यहाँ पे अगर जीरो लिख दिया तो ये फ्रैक्शन नहीं है। पी अपॉन क्यू हमेशा नंबर होने चाहिए पूरी। देखो ये जैसे हम पी अपॉन क्यू में जैसे कोई नंबर लिख रहे 8/3, तो ये फ्रैक्शन है। कंडीशन क्या है? पी अपॉन क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन याद रखो, पहली एक तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिखेंगे, दूसरी पी अपॉन क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है पी अपॉन क्यू तो फिर वो भिन्न नहीं है। ठीक, एक चीज़ हमने कंफर्म कर ली कि फ्रैक्शन क्या होती है, वो तो हमने समझ ली। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे? टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार। देखो सबसे पहले समझो प्रॉपर, आवाज आ रही होगी ना बाहर बाहर वाली, चलो कोई नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो इसे हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। तो देखो अभी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, उचित भिन्न क्या है। जिस ऐसे हमने लिखा 2/5, 6/8 और 9/12। ठीक, आप समझो कि 2/5, हम क्या बोल रहे हैं 2/5, ये वाला जो तुम्हारा है, ये वाला ऊपर वाला जो है ये तुम्हारा अंश होता है। क्या अंश? ये नीचे वाला जो होता है तुम्हारा हर होता है। इसी अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरेटर। क्या? न्यूमेरेटर। और इसको हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो हमेशा याद रखना जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, जब अंश ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला कैसा हो, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक, ये क्या है? अंश जो है हमारा छोटा है और हर जैसा है हमारा कैसा? बड़ा है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। देखो इसमें भी 6 छोटा है, नीचे वाला है बड़ा है, इसमें भी ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ऐसे ही हम देखो इसकी अगली दूसरी, ये तो हमारी पहली थी, अब हम दूसरी की बात कर रहे हैं। देखो दूसरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित भिन्न। लिखने को तो देखो हम इधर भी लिखे, यहाँ पे ये पता नहीं ये क्या ये आ जाता है, लाइट का पड़ जाता है वो। ठीक है, ये तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न क्या होती है समझो। अब इसका उल्टा कर दो, कुछ मत करो, क्या करो इसका उल्टा कर दो। इसमें बोला गया 6, इसका अंश कैसा था छोटा, अब इसका अंश बड़ा कर दो। यहाँ पे लिख दो जैसे 8 और हर इसका छोटा कर दो। ठीक है, इसका अंश कैसा करो, इसमें क्या लिखोगे? अंश बड़ा और हर कैसा हो जाएगा? छोटा। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसमें कर दो तुम 12/3। ठीक है, तो इसका ऊपर वाला जो है हर जो है वो बड़ा कर दिया हमने, ओ अंश जो है वो हमने बड़ा कर दिया और हर कैसा कर दिया? छोटा कर दिया, तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद हमारी आएगी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी? मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीसरी जो हमारी होगी, तीसरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे तुमने पढ़ा होगा मिश्रित भिन्न बोलते हैं हिंदी में। क्या? मिश्रित
भिन्न, मिश्रित भिन्न। अभी देखो ये मिश्रित भिन्न क्या होती है, यही परेशान कंफ्यूजन यही क्रिएट करती है, बाकी तो सारे निकल जाते हैं। देखो ये कैसी होती है, ऐसे ऐसे करके होती है, 8/4 यहाँ पे लिख देती है ऐसे करके, ये दी जाती है, ये होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है मिली जुली, मिश्रित भिन्न, मिश्रित। देखो अभी ये कैसे होता है, इसको ना हमें ऐसे ऐसे लिख लेंगे हम, कैसे देखो अभी ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखी है ना वैसे लिखेंगे। इसे देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 3 9 और 4 जोड़ दो, ये वाले 3 3 9 और 4 13 और ये वाले 3 है ना ये यहाँ लिख दो। देखो सेम ऐसी दिख गई इसकी तरह। देखो अब ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। देख लो इसका अंश बड़ा है और हर कैसा है छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अब ऐसे इसको देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 4 3 12 12 और 8 कितने हो गए 20, 12 8 कितने हो गए 20 और ये कितने 4। देखो ये भी कौन सी फ्रैक्शन बन गई, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। देखो इसमें 20 ऊपर बड़ा है और नीचे कैसा है छोटा, देखो इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर बन गई। ऐसे ही प्रॉपर भी बन सकती है, इसमें इम्प्रॉपर भी बन सकती है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। हमने तीनों फ्रैक्शन बता दी तुम्हें, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इसको अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, तीनों हो गई। अब अगली बार हम क्या करेंगे, तुम्हें इसके क्वेश्चन जो क्वेश्चन होंगे वो सारे करवाएंगे, जैसे फ्रैक्शन की ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो सारा करेंगे अब की बार, ठीक है, अगली वाली वीडियो में।